हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है मंडे का दिन, टुडे इज 7th ऑफ अगस्त। और व्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं एक बजे से, क्योंकि सुबह से मैं व्यस्त थी, कुछ ना कुछ काम था। मंडे है तो काम तो रहता ही है, टिफिन, खाना बनाना, घर का साफ सफाई, ये सब कुछ चलते रहता है, तो मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और कैसे हैं आप लोग बताइएगा। मंडे का दिन है तो हैप्पी मंडे। और कैसा फील करते हैं आप, मंडे को फ्रेश फील करते हैं या डल फील करते हैं, ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो एवरी डे इज़ ए न्यू डे, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और डलनेस और ये सब अपने दिमाग का सब खेल है। अगर आप अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं और सारा कुछ टाइम से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समय से सो जाते हैं और समय से उठ जाते हैं, और सुबह में अगर ऑफिस या स्कूल जाना है तो सब कुछ टाइम से होता है, तो ये अच्छा रहता है रूटीन फॉलो करना। फिलहाल आज खाने में बना है कद्दू की सब्जी, थोड़ा गर्म मसाला वाला और प्याज दे के, और दाल चावल, और थोड़ा बहुत बिस्किट्स भी बनाया आज। और बस अभी शौर्य के आने का वेट कर रहे हैं, फिर शौर्य आएगा, फिर हम लोग खाना खाएंगे और फिर देखते हैं कैसे क्या करेंगे। और प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा, कोई भी व्लॉग है ना वो पूरी एंड तक देखिए, ताकि अगर कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ तो आपको मिस ना हो जाए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको वो टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, वो बीच में अगर आया है तो अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर वो आपसे आपको छूट जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप एंड तक वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, और अगर पसंद आ जाता है तो लाइक कर लें, और अगर और पसंद आ जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने में, आपके बारे में जानने में। तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और बस अभी थोड़ी देर में जाऊँगी नीचे शौर्यपुरी ने, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये अभी दिन का खाना हो गया है, कद्दू, आलू, दाल, चावल। और आज मैं सोची थोड़ा सा टी टाइम केक्स बनाऊंगी। टी टाइम केक्स होता है ना, शाम में चाय वाय के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो आज मैं वीट बनाना टी टाइम केक बना रही हूँ, तो सोचा कुछ बनाएं, क्योंकि केक खाने का मन कर रहा था। और बस यही है, अभी तो 3:30 बज रहा है, यही सब चल रहा है। और शौर्य तो बगल में खेलने गया है, अपनी नेबर, मतलब नेबर है वहाँ, उसकी दोस्त है, सब खेलने गया है, आज सोया भी नहीं। और यही सब चल रहा है, अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर में ऑलमोस्ट 4:30-5:30 तक ही आएंगे, फिर खाना वाना होगा, फिर एक राउंड बर्तन धो लिया है, फिर सेकेंड राउंड बर्तन होगा। और बस कि मेरा केक यहाँ बेक हो रहा है, अभी इवनिंग हो रहा है और शाम का चाय बना रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैं रिसेंटली परचेज की हूँ अपने किचन के लिए, तो मतलब एक हेल्पफुल चीज़ है किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ, तो दिखाती हूँ आपको एक मिनट। ये मैंने एक परचेज किया है, ये इसको ऐसे घूमता है, रोटेटिंग है, रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर है। तो इसमें आप अपना, मैं तो यहाँ पे बेसिकली चाय, चीनी और ये सब रखी हूँ, कॉफ़ी रखी हूँ, ताकि ये इजीली मुझे मिल जाए। तो ये एक चीज़ मैंने परचेज किया है रिसेंटली, और ये मात्र मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा, तो कुछ डील चल रहा था अमेज़न पे। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ यूज़ किया है। आप इसको नीचे में ये सब रखने के जगह पे अपना जो भी है यहाँ पे शेल्फ पे यूज़ कर सकते हैं, या इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ सामान रख के, या तेल वगैरह काउंटर टॉप पे तेल वगैरह रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तेल, घी जो भी होता है ना, यूज़ होता है जनरली डेली में, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी आई थिंक 5 बोतल तो आ ही जाएगा, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। और 100 रुपये का है, तो और मैंने वाइट लिया क्योंकि मुझे वाइट मैच करना था मेरे थीम, जो भी मेरा पूरा किचन वाइट है, तो मैंने उसको वाइट ही लिया। Thank you.
बालकनी है ना उसको भी थोड़ा सा क्लीन किया, थोड़ा जो प्लांट्स थोड़ा बड़ा हो गया था ज्यादा, मतलब उसमें पत्ती वो सूखा हुआ पत्ती वगैरह होता है ना वो सब भी क्लीन किया सारा कुछ, और बेसिकली क्लीन किया थोड़ा कि इतना इतना सारा ये सब निकला है सारा को कट किया है, और जो भी एक्स्ट्रा था वो सब हटा दिया, जितना भी सूखा हुआ पत्ता था वो सब निकाल दिया, ऐसा सूखा हुआ पत्ता होता है ना उसको हटाते रहना चाहिए और ताकि अच्छा ग्रोथ हो, तो ये सारा क्लीन किया, ऊपर भी कटिंग कर दिया है कुछ कुछ, थोड़ा साफ साफ दिख रहा है आज। जैसे कभी तो स्पेशली ये जो लाल लाल ब्रांड है ना, लाल ब्रांड का सारा कुछ बहुत टेस्टी है। बेसन का लड्डू हमने खाया है, पेड़ा खाया है, मिल्क पेड़ा खाया है, धारवाड़ पेड़ा खाया है, ये मिल्क केक है, रिसेंटली हम लोग को ये बहुत अच्छा लगने लगा है तो ये मैं मंगवा लेती हूँ। ये और ना 200 ग्राम का 130 रुपीज़ है, 200 ग्राम का 130 रुपीज़, ये लाल लाल ब्रांड है और उसका आता है इसका सारा कुछ, मतलब एक्चुअली बहुत कुछ आता है। तो हम लोग को जब भी मीठा खाने का मन करता है मतलब तुरंत, जैसे तुरंत खाने का मन है जैसे स्विगी में तो थोड़ा टाइम लगता है ना एटलीस्ट, तो ये लेके ऑर्डर कर देते हैं इस बिग बास्केट से या ब्लिंकिट से तो तुरंत आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, एक हैंडी है गिफ्ट के लिए भी, कहीं जाना है और तुरंत लेके जाना है तो ये भी बहुत अच्छा है। इसका बेसन का लड्डू, मोतीचूर लड्डू, सारा कुछ है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं बता रही हूँ क्योंकि हमने बहुत चीज़ टेस्ट किया है इसका, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज इनको मन था कि कुछ मीठा खाने का है तो मिल्क केक मंगवाया, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, अगर आपके शहर में ये मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा लाल का, ये बहुत बहुत मज़ा आता है खाने में, स्पेशली जब आपको कुछ ऐसा मीठा एक एक मन किया दिन के खाना के बाद ना, होता है ना कि कुछ मीठा खाए या दही तो खाते ही हैं बट कभी कभी और मीठा कुछ और खाने का मन करता है तो एक एक पीस काफी है। तो बस अभी शाम का 6:30 बज रहा है और अभी थोड़ी देर के मैं नीचे जाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा शौरा खेलेगा और साथ में बिस्किट भी बन रहा है और केक भी आज बनाया था तो उसका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। तो खुशी मिलती है जब कुछ आप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, स्पेशली जो मेहनत पीछे लगता है सारा काम साथ साथ करना और साथ में ये भी बनाना, तो एक बहुत इनकरेजिंग हो जाता है अगर कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आई होप जो भी मेरे तरह होम बेकर्स होंगी वो बात को रिलेट कर पाते हैं कि अगर मेहनत किया है और कुछ उसका आपको कुछ इनकम आए घर बैठ के घर घर में बना के, तो बहुत अच्छा, बहुत सुकून लगता है। कोई भी काम करे तो पूरे तसल्ली के साथ करे, पूरा 100% दे के करे और कोई भी चीज़ बेमन से ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट किए हैं, कोई भी चीज़ करना है तो कोई भी काम को ना, घर के डेली काम को ही बेमन से ना करें, बहुत मतलब पूरा अपना 100% दे ताकि आपको आगे चल के कोई चीज़ का मलाल नहीं रहेगा, बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चीज़ में बिलीव करती हूँ 100% दे, अगर नहीं हो पा रहा है तो जितना हो पा रहा है उतना करना चाहिए, चाहे कुछ भी होगा। डेली का काम भी अगर आप पूरे मन से करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। हमारा यही, अगर हम हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो हमारा यही टारगेट रहता है। जैसे एक सेल्स में जो काम कर रहा है उनका कुछ टारगेट होता है कि इतना साल में इतना बेच लेना है या कुछ कर लेना है, तो उसी तरह हम हाउस वाइफ होम मेकर्स का ये टारगेट रहता है कि घर व्यवस्थित रहे, घर अच्छा दिखे, बच्चे खुश रहें, बच्चों के सारा मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी काम होता है वो होते रहे, हस्बैंड से रिलेटेड जो भी काम होता है वो होते रहे, सारा कुछ अरेंज्ड रहे, खाना टाइम पे मिल जाए, यही हमारे लिए यही टारगेट्स है ना। तो या कुछ और एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, आजकल होम बिजनेस बहुत चला हुआ है तो अगर आप वो कर रहे हैं तो उसको भी 100% दीजिए, जितना हो सके उतना लगे रहिए। क्या अगर अगर आप अपना 100% दिए हैं और लगे हुए हैं तो कभी ना कभी तो
होगा ही ऐसा कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। मतलब बोलता है ना, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। तो कर्म अपना काम है करना, कि आप पूरा मेहनत करिए, काम करते रहिए, क्या पता उसका फल आपको कब मिल जाए। और जब फल मिलता है ना, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो आप मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। वो सेटिस्फेक्शन आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपको इनकरेज करता है कि आप और अच्छा काम करें। जैसे मेरा ही एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर मुझे 2-3 ऑर्डर आता है और मैं उसको करती हूँ पूरा, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत इनकम होता है, और सबसे अच्छा लगता है जब आपको आपके बनाया हुआ हाथ का कुछ खाया कोई और उसको पसंद आया और उसका तारीफ किया गया, तो वो जो सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो जो भी काम करे अपना 100% दे, चाहे वो कुछ भी काम हो, कुछ भी। घर का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी काम को आप अपने पूरा 100% दीजिए, तो इससे घर अच्छा रहता है, खुश रहता है, परिवार खुश रहता है, सब खुश रहते हैं, माहौल अच्छा रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आता है, पॉजिटिविटी रहता है। तो जिस घर में झगड़ा वगैरह होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तो खुश रहें और अपना काम करते रहें, क्योंकि काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये काम किया, मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, कब मिलेगा। कभी ना कभी मिलेगा ही, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। कर्मा, जो अपना कर्म है वो करते रहिए। तो कर्मा सबसे बड़ा चीज़ है, जो भगवान सब देख रहा है, सबका अर्जी पूरा होगा, बोलते हैं ना, कभी ना कभी तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो बहुत हो गया लेक्चर, बट सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप मन की बात, अगर मन अपना हल्का कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिलहाल नीचे जाते हैं, फिर थोड़ा देर घूम के आते हैं ठंडी हवा में, फ्रेश एयर लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे रात को खाना बनाने के लिए।